हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर एकेडमी सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू स्टडी फॉर सेकेंड सेमेस्टर इससे पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा पोर्शन आपको सिलेबस का कौन सी बुक से आपको मिल जाएगा ईजीली सो so, ये कोर्सेस जो कि आप जो कि आपको ऑफर होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में तो इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत जो होता है वो डिफरेंस आ सकता है कॉलेज टू कॉलेज तो आप अगर आपको कोई कोई ऐसा कोर्स है जो इसमें स्किप हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे रेफरेंस दिया जाएगा तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स दी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी दैन दी फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी एंड दैन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन बायोकेमिस्ट्री उसके बाद एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पार्ट टू ये अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पूरा कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो ये आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पार्ट सेकंड नहीं होगा कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि एग्रोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया और पार्ट सेकेंड आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो उस हिसाब से होगा तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो कम्प्लीट फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया देन वी हैव दिस प्रोडक्शन टेक्नोजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसिज़ सो ये कोर्स है जो कि आपको बताए जाएंगे सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स तो ये सलेबस डिटेल सलेबस जो है मैंने आपको फिफ्टीन कमेटी का जो सिलेबस है वो लिया गया है तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं तीन क्रेडिट का जो ये कोर्स है इसमें हम प्री मंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हेरेडिटी के और उसके बाद पोस्ट मंडेलियन मेंडेलियन उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सर्ट पढ़ते हैं उसके बाद सेकंड जो पोर्शन है इसमें सेल डिवीजन का इसमें माइटोसिस मेयोसिस प्रोबेबिलिटी ये सब आपको पढ़ना है उसके बाद जीन इंटरेक्शन है प्लियोट्रोपिज्म है ये एपिस्टेसिस इंटरेक्शन है मल्टीपल एल ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स ये सब आपको पढ़ना है देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन तो सेक्स लिंक जो भी ट्रेड होते हैं वो इसके अंदर आपको ये सब पढ़ना है देन द लिंकेज और इसकी जो इस्टिमेशन होती है वो कैसे होती है क्रॉसिंग ओवर मैकेानिज़म आपको पढ़ना है क्रोमोजोमल मैपिंग उसके बाद स्ट्रक्चरल और जो नोमरिकल चेंजेस आते हैं वो आपको पढ़ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है म्यूटेशन जो अलग अलग टाइप्स होती है एजेंट कौन कौन से होते हैं वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में तो उसके बाद आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पढ़ाए जाएंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये सब आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उसके बाद रेप्लीकेशन uh, कैसे होता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म कैसे होता है प्रोटीन uh, सिंथेसिस कैसे होती है जीन का स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब आपको रेगुलेशन लैक ऑफ प्रोन ये सब आपको फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा तो ये आपने जो जिनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है मतलब जिनका ट्वेल्थ में बायो था सब्जेक्ट मेडिकल के स्टूडेंट थे उनने ये ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा बट फिर भी यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उनके लिए थोड़ा इजी है लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ा ये जो होगा वो थोड़ा सा टफ़ है तो आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं आप इसको फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो बी डी सिंह ये बुक से पढ़ सकते हैं इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हो गया है लेकिन थोड़ा सा ये जो बुक है ये लेंदी है मतलब ये टफ हो जाती है कम्पेरेटिवली अगर हम देखा जाए देखते हैं फुंदन सिंह से तो ये थोड़ी सी ईजी है इसमें शॉर्ट में आपको दिया गया है तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगती है आप वो बुक रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है इजीली पढ़ना है डायरेक्ट पढ़ना है तो आप ई कोर्स का यूज़ कर सकते हैं तो ई कोर्स कैसे कौन से कोर्स होते हैं मतलब जो ऑनलाइन हमको मिलते हैं ये एग्री मून की जो साइड होती है आई सी आर की वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसको डाउनलोड करना है या कैसे देखना है तो आप मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीडियो उसमें मैंने आपको बताया गया वैसे वैसे काफ़ी ईजी होता है आप इसको देख सकते हैं Uh, जो हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी अब ये देखो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी जो ये सब्जेक्ट है ये फिफ्टी कमेटी में इसको दो तीन जो कोर्स है हमारे एंटोमोलॉजी के उसको कंबाइन कर दिया गया है क्योंकि तीन साल में ही आपको पूरा एकेडमिक्स पढ़ाया जाता है फिफ्टीन कमेटी के बाद तो इसलिए इनमें जो दो तीन कोर्स है उसको कम्बाइन किया है तो ये काफ़ी लेंथी कोर्स है तो इसमें इनने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम देखते हैं कि हिस्ट्री एंटोमोलॉजी की पढ़ते हैं मेजर पॉइंट्स uh, जैसे इंसेक्ट इन, क्यों डोमिनेट डोमिनेट करता है एनिमल किंगडम में उसके बाद क्लासिफिकेशन हम फाइलम ऑर्थोपोडा के देखते हैं क्लासेस तक हमने देखनी है उसके बाद रिलेशन इसका दूसरी जो क्लासेस होती है ऑर्थोपोडा उस, उस उस उसके साथ देन वी हैव दिस दी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर देखेंगे फंक्शन uh, देखेंगे इंसेक्ट के क्यूटिकल का और इसकी मोल्टिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या कैसे कैसे होती है बॉडी सेगमेंटेशन कैसे होती है हम uh, स्ट्रक्चर देखेंगे हेड का थॉरक्स का एबडोमन का तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा एलेवंथ क्लास की बायोलॉजी बायोलॉजी में जिसमें आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था तो उससे काफ़ी ये रिजम्बलेंस करता है मतलब ऑलमोस्ट क्योंकि सेम ही है तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा उससे तो और उसके बाद हमें यहाँ पे इंसेक्ट के जो एंटीनिया की मॉडिफिकेशन है वो दिखाई जाएगी माउथ पार्ट अलग अलग होते हैं अलग अलग टाइप्स के माउथ होते हैं सकिंग टाइप पर्चिंग टाइप तो वो अलग होते हैं उसके बाद लेग्स की मॉडिफ़िकेशन होती है लेग्स की टाइप्स आपको बताई जाएगी लेग्स का स्ट्रक्चर के बारे में विंग की वेनिएशन की मॉडिफिकेशन विंग uh, कपलिंग क्या होता है इनके इन, इस इसका पेरेटस ये सब आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन ये सब हम हमको इसमें पढ़ना है इस कोर्स में उसके बाद मॉर्फोलॉजी पढ़नी है इंसेक्ट की उसके बाद टाइप्स ऑफ लार्वा पीपा वगैरह ये सब आपको पढ़ना है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये then uh, we have to study about the digestion circulation means the physiological processes jo hote insect ke andar reproduction endocrine system ye sab aapko padhna hai type of reproduction insect mein kon kon si hoti hai major sensory organs to ye sab aapko isme part first ka syllabus hai uske baad second part mein jo inne insect ecology ko इंक्लूड uh, include किया तो इंसेक्ट इकोलॉजी का मतलब इंस environment के साथ जो इंसेक्ट का रिलेशन है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर जैसे लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट्स पे दैन द बायोटिक फैक्टर जैसे नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो होता है फूड कंपटीशन जो होता है उनका क्या असर पड़ता है दैन द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट दी कैटेगरीज़ ऑफ द पेस्ट मतलब इसमें आपको इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो इंक्लूड किया गया है तो इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस देखनी है क्या होता है इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लिमिटेशन क्या है इसकी और उसके बाद क्लासिफिकेशन इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल यूज़ करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है और उसमें उसका फॉर्मूलेशन क्या होता है मतलब फॉर्मूलेशन मतलब हम स्प्रे कैसे करते हैं हमको डायरेक्ट ग्रेन्यूल्स फेंकते हैं उसके या लिक्विड फेंकते हैं या कुछ और तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं फ्यूमिगेशन देते हैं तो दीज आर द दी टाइप ऑफ मतलब ये फॉर्मूलेशन के अंडर आता है उसके बाद इन कंट्रोल केमिकल कंट्रोल जो होता है ये इसकी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं और इसकी हजर्डस क्या होता है मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है नुकसान क्या है इसके उसके बाद रिसेंट मैथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि बायोलॉजिकल कुछ मैथड है ये सब आपको पढ़ना हारमोन्स एट्रेक्टेंट्स ग्रामा रेडिएशन ये हम इसका मैथड कैसे इन मेथड्स का यूज़ करके हम इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन थी उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 आपको पढ़ना है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविज़न पढ़ने एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन टेक्निक्स ऑफ स्प्रे फ्लूड स्प्रे फ्लूड उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं पॉइजनिंग के मान लो किसी ने इहील uh, कर दिया गलती से या uh, कुछ ऐसा हुआ तो उसमें हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं एंटीडोड कौन सा इसका अलग अलग जो दवाइयाँ होती हैं उन पर लिखा होता है एंटीडोड हम उसका यूज़ कर सकते हैं इसकी पॉइजनिंग को बचाने के लिए सो दिस देन द लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है आपका इसमें आपको टेक्जोनमी पढ़नी है तो इसमें आपको बायोटाइप पढ़ना है डेफिनेशन क्या होती है बायोटाइप सब ये जो स्पीसीज़ क्या होती है स्पीसीज जैनि जीनस फैमिली ऑर्डर ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा लेकिन आपको इंसेक्ट का पढ़ना है ऑर्डर तक आपको पूरी क्लासीफिकेशन पढ़नी है इसकी अलग अलग ऑर्डर पढ़ने हैं और जी जो मैंने सारे ऑर्डर है ये इंक्लूड किए हैं ये आपको पढ़ने ऑर्थोप्टेरा आइसोपटेरा uh, ये डिपटेरा ये सब आपको पढ़ने डिटेल में और इनकी क्लासेस भी पढ़नी यहाँ से यहाँ मैंने क्लासेस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता सिलेबस तो क्लासेस में किसी में पाँच है किसी में दो है किसी में तीन है तो किसी में सात है तो अलग अलग क्लासेज है इसमें तो वो सब आपको डिटेल में पढ़नी है तो काफ़ी बड़ा कोर्स हो जाता है तो इसलिए अब आप आपको अब आप, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए आप इस बुक्स का ये जो बुक है इनका रेफरेंस ले सकते हैं सबसे पहले हैंड बुक ऑफ एंटोमोलॉजी टीवी प्रसाद की काफ़ी अच्छी बुक है इसमें ऑलमोस्ट सारा इंक्लूड किया जाएगा आपका तो उसके बाद आई का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ से तो मिल ही जाएगा लेकिन अगर यहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए और जो क्लासिफिकेशन का पोर्शन है टेक्जोनोमी वाला ये सारा आपको इस इंसेक्टाइज बुक से मिल जाएगा तो जैसे कि ये बहुत ही डिटेल बुक है डिटेल हमारे पास कोर्स है तो बहुत ही बड़ा है तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कैसे पढ़ना है इसका मतलब ये बुक्स हैं जो जिनसे आपको ये सब मिल जाएगा आराम से तो अगर यहाँ से भी नहीं पढ़ना आपको तो ई कोर्स आपको आराम से मिल जा सकते हैं उससे थोड़ा सा ईज़ीली आप पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में देन नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी फंडामेंटल सो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है ये क्योंकि ये बेसिक कोर्स है आपका जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में डिजीज़ पढ़नी है हॉर्टिकल्चर uh, की फील्ड uh, क्रॉप्स की डिजीज़ तो रबी की अलग खरीफ की अलग तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है इसमें हम uh, सबसे पहले फंडामेंटल्स आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है डिजीज़ कौन कौन सी होती है अलग अलग जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है उनका उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको जो पैथोलॉजिस्ट थे जैसे इंडियन थे फॉरनर थे उसके बाद टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पैथोलॉजी में अलग अलग जैसे कि रस्ट होता है मोजेक uh, क्या होता है uh, आपके पास ये अलग अलग टाइप के सिम्टम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं स्मट क्या होता है ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा उसके बाद काजेज और फैक्टर्स जो कि डिजीज़ की डेवलपमेंट डिजीज में हेल्प करते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट होस्ट उसका ससेप्टेबल होना ये रेजिस्टेंस है उसमें कि नहीं है अलग अलग चीज़ें होती है आपको सारे इसमें पढ़ाया जाएगी उसके बाद डिजीज़ ट्रैंगल जो आपने पहले भी पढ़ा होगा यह केस नहीं पढ़ा होगा तो आपको डिजीज़ ट्रेंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा डिजीज़ टेट्राहीड्रॉन के बारे में पढ़ाया जाएगा क्लासीफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज किस कैसी कैसी होती है जैसे कि फंगल में ये सारी आपको क्लासीफिकेशन दी है क्योंकि फंगल फंगल डिजीज़ होती है बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ये सब आपको पढ़नी है उसके बाद फाइटोप्लाज्मा अलग अलग चीज़ें जो है जिनसे डिजीज़ होती है निमेटोड्स वायरस ये सारी आपको पढ़नी है और इनमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है तो आपको ब्रीफ में बताया जाएगा कि फंगल से इस तरह की डिजीज़ होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है ये अगर आपको ये ये कोर्स जो होता है इसमें आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको फिर हेल्प हो जाएगा काफ़ी इजिली पढ़ सकते हो आप तो यही आपका बेसिक कोर्स है आगे तो आपको सिर्फ बताया जाएगा कि राइस में ये वाली डिजीज़ है तो इससे होती है इसकी ये साइकिल से ये ये आपको चीज़ें तो अगर आपको ये पहले से पता होगा फंग फंगस में जैसे ये इसकी लाइफ स्टाइल इसका लाइफ साइकिल जो इस तरह का होता है इस कैटेगरी में आता है तो आप वहाँ पे इजीली आपको वो पढ़ सकते हो फिर इसलिए ये कोर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तो इसमें डिजीज़ एंड सिम्टम्स ऑफ एबायोटिक काज होते हैं कुछ जैसे कि डिफिशेंसी अगर होती है मिनरल्स की हैं कुछ ऐसे होता है विल्ट जो आपके पास पानी की कमी के साथ जो येलोइंग वगैरह होती है तो उसके लिए अलग Uh, क्यों uh, अलग सिम्टम्स होते हैं उसके कहीं कहीं पे सेम सिम्टम्स होते हैं आपको सो उसका काज अलग अलग होता है तो वो डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें then वी हैव दिस फंगस बैक्टीरिया एंड वायरस तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़नी है फंगल क्या fungus के बारे में आपको जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स पढ़नी है इसकी बॉडी कैसी सेगमेंटेशन कैसी रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बाद सोमेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स बनते हैं जो भी होते हैं थैलस बनता है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो देखना है आपको इन थैलस की माडिफिकेशन होती है रिपोडक्शन कौन कौन सी होती है सेक्शुल होती है ए होती है तो ये सब आपको पढ़ना है तो उसके बाद सब डिवीजन इसकी क्लासीफिकेशन भी पढ़नी है और इसके नॉर्मन भी पढ़ना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है है। उसके बाद बैक्टीरियाज़ के बारे में आपको जनरल मॉर्फोलॉजी इनके स्ट्रक्चर उसके बाद बेसिक क्लासिफिकेशन इसकी पढ़नी है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसके बाद वायरसेस के बारे में ये चीज़ें पढ़नी है तो ये डिटेल सलेबस जो मैंने एज इट इज़ लिया हुआ है तो ये आपको इस बुक से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ये फंगल फंगस फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय एच सी दुबे तो काफ़ी अच्छी बुक है आप ये बुक ज़रूर पढ़ें इससे आपको पूरा जो होता है पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा पैथोलॉजी का आगे भी हेल्पफुल होगा अगर यहाँ से नहीं पढ़ना तो ई कोर्स तो है ही देन द फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा ये टफ कोर्स हो जाता है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा यूज़ होता है तो आप अगर आपने अलेवेंथ ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको आ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी यहाँ पर तो इसमें हम हमारे पास क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी वाटर की पीएच और बफर की उसके बाद आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएगी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको इम्पॉटेंस क्या है क्लासिफिकेशन क्या है और उसके बाद इसका ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमरीजम पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं मोनोसक्राइड के डाई के इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आपको और पॉलीसैक्राइड के स्ट्रक्चर पढ़ने तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है ये सब आपको पढ़ना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने पहले भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो उसके बाद लिपिड्स लिपिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी क्लासिफिकेशन क्या है स्ट्रक्चर फैटी एसिड की प्रॉपर्टी स्टोरेज लिपिड क्या होता है मेम्ब्रेन लिपिड क्या होता है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें सेल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट ये सारे लिपिड्स की लेयर के बने होते हैं प्रोटीन लिपिड की उसके बाद प्रोटीन क्या होता है इसकी इंपॉटेंस क्या है क्लासिफिकेशन क्या है अलग अलग इसकी टाइट्रेशन जूटराइन जो बनता है इसका अमोनिया अमोनिक एसिड जिससे बनता है उसका नेचर क्या है उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका एंजाइम के बारे में आपको पढ़ ये सब चीज़ें पढ़नी है तो ये चीज़ें हैं आपको बायोकेमिस्ट्री में उसके बाद आगे क्या है इसके में, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे पास जेनेटिक जन, जन, मटेरियल बनाता है उसके बाद इसकी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसे होता है अलग अलग टाइप का डीएनए जो होता है ए बी सी सॉरी ए बी जेड टाइप का अलग अलग इसका स्ट्रक्चर होता है मॉडल पढ़ने आपको वाटसन क्रिक का डबल डबल हेलिक्स जो डी का स्ट्रक्चर होता है उसके बाद टाइप्स पढ़नी आपको सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है इनका आर का ये सब आपको पढ़ना है उसके बाद मेटाबोलिज्म आपको पढ़ना है जो कि बायो का बायो फिजियोलॉजी में काफ़ी हेल्प करेगा आपको तो ग्लाइकोलोसिस्टी सी ये आपको वहाँ से पढ़ना है देखो इसमें आप ये वाला बुक ये वाली बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं बट ये जो है ये थोड़ी लेंदी बुक है थोड़ी टफ है आप आपको वैसे ऑलमोस्ट यहाँ से सारा सिलेबस जो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक्स या शॉर्ट में पढ़ना है तो आप एन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी वो पढ़ी है तो एन में बायो के एन जो है उसमें बायो मॉलिक्यूल जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कुछ पोर्शन वहाँ से मिल जाएगा कुछ पोर्सन आपको केमिस्ट्री का जो बायो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में जो बायो मॉलिक्यूल है आई गेस वहाँ से आपको ये पोर्शन मिल जाएगा तो ये काफ़ी वहाँ से है आपको वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं बुक से पढ़ना बुक से पढ़िए नहीं तो आप यहाँ से एन से पढ़ सकते हैं तो ई कोर्स और यहाँ से भी नहीं पढ़ना तो ई तो कोर्स से आपको मिल जाएगा वहाँ से आपको वहाँ पर वहाँ उसकी हेल्प ले सकते हैं देन जैसे मैंने कहा था कि एग्रोनॉमी का जो ये सेकेंड पार्ट है ये किसी किसी जो कहीं कहीं कॉलेजेस में आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको पूरा एग्रोनॉमी पढ़ा दिया है जिसमें आपको ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है तो अगर आपने फ़र्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है अभी पढ़ना है तो ये आपको यहाँ पे जो इसका सिलेबस ये है इसमें वाटर रिसोर्स मतलब दो पोर्शन है इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में और इसके बाद वीड्स के बारे में जो पूरा एग्रोनॉमी फंडामेंटल्स है इसमें सबसे पहले बेसिक एग्रोनॉमी होती है वाटर का था और वीड का था तो शायद आप मतलब जिसमें अगर आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट फर्स्ट ही आपने पढ़ा है तो आपने सिर्फ बेसिक एग्रोनॉमी पढ़ी है अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ लिया होगा तो आपको उसी हिसाब से देखा जाएगा तो जहाँ मर्ज़ी से पढ़ना है आपको ये आ, इस बुक से पढ़ना है डी डी रेडी की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ये बहुत ही अच्छी बुक है और बेसिक बुक है बहुत ऑथेंटिक बुक है ये आपको इससे पढ़नी है तो इसमें आपको वीड का भी मिल जाएगा पूरा और वाटर मैनेजमेंट का मिल जाएगा और वैसे भी आपका इलेक्टिव में आगे आने वाला है वीड मैनेजमेंट वो भी कोर्स ऑफर होता है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तो ओ गुप्ता जो बुक है वीड की उससे हम पढ़ सकते हैं देन जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास कोर्स होता है ये एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी अब इसमें क्या होता है इसमें हम डिटेल में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में प्रोकैरियोट क्या होते हैं यूकैरियोट माइक्रोब्स कौन से होते हैं बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उनका उनकी ग्रोथ कैसे होती है वगैरह वगैरह उसके बाद बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बैक्टीरियल रिकम्बेशन होती है ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है कंजुगेशन कैसे होती है ट्रांसडक्शन प्लाज्ड फॉर्मेशन कैसे होती है ये सारा होता है उसके बाद रोल ऑफ माइक्रो इन सॉइल फर्टिलिटी आपको पढ़ना है अलग अलग साइकिल्स पढ़ने नाइट्रोजन साइकिल फास्फोरस साइकिल सल्फर साइकिल उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है सिम्बियोटिक होती है एसोसिएटिव ए ए, ए सिंबियोटिक होती है एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी की माइकोराइजा ये सब आपको इसमें पढ़ना है और ह्यूमन वेलफेयर में हम कैसे यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जैसे बायोफर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बायोफ्यूल्स अगल अलग चीज़ों में इसका यूज़ होता है तो थोड़ा सा आई गेस इसका मैंने सिलेबस मिस किया हुआ है स्किप किया हुआ है तो आप देख सकते हैं सिलेबस तो आपको जो भी है इसका अगर स्किप हो तो, तो वो भी इस बुक से आपको मिल जाएगा तो इंट्रोड एंड इंट्रोडक्शन टू दी माइक्रोबाइलॉजी बाई कपूर एंड तरू ये बुक जो होता है काफ़ी डिटेल बुक है इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो वो आपको ऑनलाइन भी पीडीएफ मिल सकती है डाउनलोड uh, तो नहीं हो सकती लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं उसको तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं नहीं तो ई e कोर्स का यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस बुक से पढ़ें तो काफ़ी अच्छी बुक है देन वी हैव दिस इज दी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन तो एक्सटेंशन एजुकेशन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक्सटेंशन एजु uh, जो वही करनी है क्योंकि जो भी रिसर्च वगैरह होती है इसको फार्मर तक पहुंचाना है तो उसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन का जो काफ़ी हेल्प होती है तो इसमें क्या पढ़ना है आपको एक्सटेंशन इसमें आपको एजुकेशन पढ़ना है एजुकेशन की डेफिनेशन टाइप्स क्या होती है उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है तो उनमें डिफरेंस क्या होता है एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में मीनिंग डेफिनेशन स्कोप्स उसके बाद एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग स्कीम इसका मीनिंग प्रोसेस प्रिंसिपल स्टेप्स क्या होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया में कौन कौन से थे जैसे एक्सटेंशन एक्सपर्ट इन प्री इंडिपेंडेंट एरा में ये हमारे पास श्रीनिकेतन ये सारे जो फिर का डेवलपमेंट स्कीम थी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में टावा पायलट प्रोजेक्ट नीलो खेरी जो ये था और इसके बाद जो बहुत सारे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हमारे पास आई के द्वारा या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो ये हमारे पास ये सारे जो नीपा वगैरह ये सारे जो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे उसके बाद ट्रेंड्स क्या होते हैं जैसे हमारे नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो कैसे एक्सटेंशन एजुकेशन चेंज हो रहा है प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रही है आ, साइबर एक्सटेंशन या ई एक्सटेंशन इसको कहते हैं ये सारा आपको मार्केट रेड एक्सटेंशन फार्मर रेड एक्सटेंशन ये सारा आपको इसमें पढ़ाया जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम देन इसका जो नेक्स्ट है इसमें रूरल डेवलपमेंट पढ़ाई जाएगी आपको उसके बारे में इसका मीनिंग डेफिनेशन तो ये सारा आपको इसमें पढ़ना है रूरल लीडरशिप के बारे में Uh, उसके बाद मॉनिटरिंग और एवेलुएशन जो हम करते हैं इसका कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और एवेलुएशन करते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की उसकी इवेलुएशन करते हैं कि कैसे कितना सक्सेसफुल रहा उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और मॉडल्स दिखेंगे अलग अलग और उसके बाद हम टीचिंग मेथड देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड जो होते हैं उसके बाद उनका इंडिविजुअल या मास कॉन्टैक्ट मैथड जो होते हैं अलग अलग मैथड होते हैं वो देखेंगे उसके बाद कम्युनिकेशन का पोर्शन है कम्युनिकेशन में आपको मीनिंग डेफिनेशन मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ना है बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर जर्नलिज्म ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और उसके बाद ये आपको कहाँ से मिलेगा ये सबसे पहले अगर तो आपको इजीली पढ़ना है तो आचार्य एन जी रंगा की जो पीडीएफ है वो आप डायरेक्ट सर् कर सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा दिया हो गया उसमें लेकिन अगर आपको डि, बु, डिटेल बुक में पढ़ना है तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बाय एल डी वी रेड्डी इनकी बुक है इसमें आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन मिल जाएगा और लास्ट वाला जो जो कम्युनिकेशन का पोर्शन है वो आपको एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जी रे इस बुक से मिल जाएगा तो इन सब की जो बुक्स uh, की लिंक uh, जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं अगर आपको ख़रीदनी है तो देन और दिस लास्ट कोर्स इज़ दी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स एंड स्पाइसिस तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस पढ़नी है वेजिटेबल्स की देन एंड स्पाइसेस इन आवर न्यूट्रिशन एंड इन और नेशनल इकॉनमी उसके बाद आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है अब देखो ये जो सब जो चीज़ें हैं जैसे ओरिजिन क्या है एरिया कितना था किसी ये क्रॉप रिलेटेड है आपको जो भी क्रॉप है आपकी ये सारी जो क्रॉप्स है आपको इसके बारे में इन सब क्रॉप्स का आपको ओरिजिन पढ़ना है एरिया पढ़ना है कितना है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कितनी है प्लांटेशन डिस्टेंस ये सब आपको कितना पढ़ना है तो आप एक जो है इसको टेबल बना के पढ़ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है अगर आप एक तरफ से एक लाइन बना के ये सब लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आपको अलग अलग जो क्रॉप्स है वो लिख सकते हैं तो उसके बाद वे डिजीज़ कौन सी होती है कौन से डिसऑर्डर होते हैं वीड मैनेजमेंट है हम कैसे कर, करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन कितना है कितना रिक्वायरमेंट है इसकी तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है अब इसमें जो पोर्शन है आपका सिलेबस का इसको डिवाइड किया गया है मेजर और माइनर क्रॉप्स में तो मेजर क्रॉप्स में आपको वेजिटेबल्स जो है वो ब्रिंजल टोमेटो चिल्ली ओकरा वगैरह है और उसके बाद कोकरबिट्स की में आपको ये चीज़ें पढ़नी है कोल में आपको कोल क्रॉप्स में कॉलीफुलर कैबेज वगैरह ट्यूबर्स में पोटैटो स्पाइसेस में आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो ये जो है मेजर क्रॉप्स में आती है उसके बाद माइनर क्रॉप्स में क्या क्या आती है माइनर क्रॉप्स में कुकरबिट्स में ये सारी क्रॉप्स आती है वाटर मस्क मेलन रिजगॉ कोकरबिट सॉरी कोकम्बर उसके बाद लेग्यूम में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है रूट uh, वेजिटेबल में रेडिश कैरेट ये सारी आपको पढ़नी है तो इसमें आप अलग अलग स्पाइसेस ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें आप अलग अलग जो इसका टेबल है उसको बना सकते हैं क्योंकि मान लो अगर आपको जैसे ओकरा के बारे में पढ़ना है तो ओकरा के बारे में आपको क्या पढ़ना है ओकरा के बारे में आपको यही पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ एरिया कितना था प्रोडक्शन कैसे होती है कौन सी वराइटी है इसकी तो कैसे करते हैं इसको लगाते कैसे हैं मतलब लैंड प्रिपरेशन कैसे होती है कब लगाते हैं टाइम ऑफ सोइंग कैसे लगाते हैं मेथड टेक्निक्स Uh, कितना डिस्टेंस पे लगाते हैं तो सारा डिटेल जो होता है वो आपको ये पढ़ना है इसमें तो आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं इस सारी जो इसमें अच्छी बुक है ये वेजिटेबल ट्यूबर क्रॉप्स एंड स्पाइसेस ये नरिंदर सिंह थम्बराज जो हैं इन इनकी बुक है तो एग्री ये आई पब्लिकेशन है तो काफ़ी अच्छी बुक है आप यहाँ से आपको सारा जो सिलेबस है वो मिल जाएगा और उसके बाद दूसरी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू दी स्पाइस प्लांटेशन क्रॉप ये एन कुमार ये भी फेमस ऑथर हैं इनसे भी इनकी बुक से भी आप पढ़ सकते हो तो दोनों में से एक बुक आपको जो भी अवेलेबल है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो अगर आपको यहाँ से भी नहीं पढ़ना तो आप जो अलग अलग क्रॉप हैं जैसे ओकरा है तो ओकरा को ही आप डायरेक्टली सर्च करें तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा आराम से Uh, then uh, we have this uh, introduction introductory soil and water conservation engineering तो इसमें जो है वो almost हम तीन parts में इसको divide कर सकते हैं एक तो होता है water erosion एक होता है soil uh, soil erosion due to wind उसके बाद water harvesting और इसका टेक्निक्स uh, क्या हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन टू दॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन कैसे करते हैं हम मतलब ये बताया जाएगा आपको और उसके बाद कॉजेज़ क्या है सॉयल इरोजन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं सॉयल इरोजन के उन उसके बाद वाटर इरोजन में क्या क्या होता है फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म की वाटर इरोजन होती है जैसे स्प्लैश इरोजन रिल इरोजन गली इरोजन उसके बाद गली जो इरोजन होता है गली की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और जो जितना भी लॉस होता है सॉइल इरोजन से उसको हम कैसे मेजर करते हैं तो यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन से हम इसको मेजर करते हैं के अलग अलग टेक्निक्स होती है सॉइल लॉस को मेजर करने की वो हमने पढ़नी उसके बाद प्रिंसिपल मतलब इरोजन कंट्रोल के क्या प्रिंसिपल है कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं कंटूरिंग कैसे करते हैं या आपको इसके बारे में पढ़ना है स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसे करते हैं बर्न्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के उसके बारे में आपको डिटेल पढ़नी है पूरे डिज़ाइंस पढ़ने हैं उनके उसके बाद वाटर uh, हार्वेस्टिंग थोड़ा सा आपको पढ़ना है और इसकी टेक्निक क्या होती है कि वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्ट आपने सुना होगा तो वह वो वही होता है हमारे पास रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सॉरी तो रूफ वाटर हार्वेस्ट जैसे करते हैं वैसे ही जो हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये आप कर सकते हैं उसके बाद विंड इरोजन में आपको देखना है क्या है विंड इरोजन का क्या कैसे विंड इरोजन होती है उसके बाद इसकी टाइप्स क्या होती है अलग अलग मोमेंट की जैसे साल्टेशन जो होता है साल्टेशन अलग अलग से होता है इसका तीन तरह की होती है इसमें तो उसमें डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है उसके हिसाब से वो कितनी दूर जाएगा तो उस हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होती है उसको क्लासीफाई किया गया देन सर्वेइंग करते हैं हम फील्ड एरिया कैलकुलेशन की और मशीनरी जो भी जो भी हमने यूज़ करनी है लेवलिंग के लिए वो सब चीज़ें हम करते तो ये सारा जो पोर्शन आपको कम्प्लीट आपको मिल जाएगा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग भाई आर सुरेश की बुक से तो काफ़ी अच्छी बुक है इसमें आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं सो so, अब एक चीज़ है कि अगर आपका कोई कोर्स इसमें स्किप हुआ तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया आप कमेंट करके बता सकते हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल दी जाएगी और आप एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सजेस्ट करें कि हम आगे कैसे कौन सी कोर्सेज़ या कौन सी चीज़ें हम अपने चैनल पे लाएं कौन सी वीडियोस बनाएं तो आपके सजेशन जो है बहुत ही वैल्यूबल होंगे तो अब लास्ट में जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप लोग हैं तो आप ये दो बुक जो है वो ज़रूर लें इसमें Uh, एक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कातियान इसकी दो वॉल्यूम है ये एक फ़र्स्ट वाली और सेकंड वाली तो इसमें जो है इसमें क्या है कंप्लीट जो थ्री ईयर का एकेडमिक्स है आपको इसमें शॉर्ट में दिया गया है मतलब इसको हम हाँ, आप एज ए रिवीजन या एज ए uh, मतलब रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में जैसे मान लो एग्रीकल्चर uh, हमने पढ़ा एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या क्या आता है आप उसको थोड़ा सा कोई पाँच दस पेज या दस पंद्रह पेज जो दिए होंगे आपको इसमें उससे आपको एक डिटेल मिल जाएगी एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या पढ़ना है तो और जो दूसरी बुक है ये अरुण नेमराज शुंडा की बुक है तो ये दो बुक जो हे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि आगे भी आपको जनरल एग्रीकल्चर के लिए इसकी जो हेल्प होगी बहुत ज़्यादा तो इन बुक्स की सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग